लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, देन नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का 8 है, फ्लोरीन का है 9, राइट 9, एंड देन नियॉन का है 10, ओके ठीक है। देखो ऑफ बाउ प्रिंसिपल P D and F, ये ब्लॉक भी रहते हैं। देखो यहाँ 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s, ये s ऑर्बिटल्स है, इलेक्ट्रॉन इसमें डिस्ट्रीब्यूट होते। अब ये इन डिटेल आपको देखने का है हमको इन डिटेल, मगर शॉर्टली थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ हाउ टू प्रिडिक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्यों प्रेडिक्ट करने का, नंबर ऑफ सेल्स के लिए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। देन 2p से स्टार्ट करने का, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड 7p, ओके। देन d में 3d से स्टार्ट करने का, 3d, 4d, 5d, 6d एंड 7d, और f में 4F से स्टार्ट करने का, 4F, 5F, 6F और 7F। इतना अगर आपने लर्न किया तो 118 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू कैन प्रेडिक्ट, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब S की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, कितने भी अपने पास इलेक्ट्रॉन है मगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही ऑक्युपाई हो सकते हैं, और P की है 6 की, D की है 10 की और F की है 14 की, इतना भूलने का नहीं। अब देखो, अब हाइड्रोजन का अगर प्रिडिक्ट करने का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके सामने मैं ऐसा ये करता एरो देता और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देता मैं, आपका ये सॉल्व हो जाता प्रॉब्लम, फिर चैप्टर स्टार्ट करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं, ओके। अब देखो, कभी भी राइट से ये करने का, राइट से आने का, और कौन सा ऑर्बिटल है, 1s, राइट डाउन हियर 1s, 1s लिखा, अब ये पूरा दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो, 1s, s इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करने की, मगर हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए एक लिख दो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक राइट प्रोन है, दैट्स व्हाई 2s1। अब देखो, सेकंड सेल इज आउटर मोस्ट सेल एंड इट इज आल्सो नोन एज वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, दैट्स व्हाई दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस दैट ओनली वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट इन लिथियम एटम, ओके। सिमिलरली बेरिलियम 1s2, 2s2, s2, 2s2, ये भूलने का नहीं। देन बोरॉन का, बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 1s2, 2s2, एक बचा। अब देखो 1s2, यहाँ लिखता हूँ 1s2, देन 2s2, ठीक है। अब क्या है, इधर कुछ नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, तो 2p, राइट डाउन हियर 2p, बट द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ p ऑर्बिटल इज 6, बट वी हैव नॉट 6 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट इन दिस 2 ऑर्बिटल्स, रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन फिल इट, ओके, वो फिल करने का एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो ठीक है। नेक्स्ट, अब कार्बन का क्या होगा फिर, 1s2, 2s2, 2p, 2
1s, 2s2, 2p2, राइट। दो एक इंक्रीज किया और फिर क्रॉस चेक करने का, कार्बन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्लस 2 प्लस 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा क्रॉस चेक भी करने का। ओके, ये ऐसा ऐसा प्रेडिक्ट करने का देखो। ओके, कहां तक भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से भी एलिमेंट का आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर ये ट्रिक्स आपके ध्यान में आई तो। अगर आपको नियॉन का सॉरी नाइट्रोजन का करना कौन, अरे आवाज नको बोल, अगर आपको नाइट्रोजन का करने का तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, राइट। जस्ट मिनट, अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो स्टार्ट करो यहां से, 1s इस कैपेसिटी 2, 1s 2, देन 2s 2, देन 2p। अब टोटल 7 इलेक्ट्रॉन थे, आउट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स गोज इनटू s एंड दिस s, रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स यू कैन फिल, 1s 2, 2s 2, 2p 3, राइट। ऑक्सीजन का 1s 2, 2s 2, 2p 4, फ्लोरीन का 1s 2, 2s 2, 2p 5, नियॉन का 1s2, 2s2, 2p6, ओके। ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको अपर सोडियम का एक पूछा था मैंने, सोडियम का अगर प्रेडिक्ट करने का है तो देखो क्या करने का, सोडियम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यू शुड नो एटॉमिक नंबर, राइट। एटॉमिक नंबर तो आपको मालूम होना चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट 20 और 30 एलिमेंट्स का मालूम होना चाहिए। अब 11 है तो ये अप्लाई करो, 1s2, 2s2, 2p6, ये पहले मैं लिख के लेता यहाँ, 1s2, 2s2, 2p6, क्या हुआ 1s2, 2s2, 2p6, अब 3s है, राइट। 2p के बाद क्या आता 3s, s की कैपेसिटी 2 है मगर 10 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फिल हो गए, इसलिए अपने को हमको क्या करना होगा 3s, s की कैपेसिटी 2 है मगर एक फिल करो, ओके। तो फ्रेंड्स दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज वेरी शॉर्ट ट्रिक टू आइडेंटिफाई। और अब आपको पूछा सोडियम में कितने शेल है, सेल्स कितने हैं, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना जरूरी है, ओके। ये इतना याद रखो, ओके। अब देखो नेक्स्ट, ठीक है, अब ये समझ में आया सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सिलेबस है क्या आपके पास, फिर सिलेबस है क्या, ठीक है। सिलेबस में फ्रॉम टुमारो किसी का पास है किसी के पास नहीं, ओके। 17-16 चैप्टर है आपको, कितने चैप्टर है 16 चैप्टर्स आर देयर। तो 16 चैप्टर किसी के पास नहीं है तो मैं अभी देता, जस्ट एक 5 मिनट में आप ले लो, उसमें से स्टार्ट करेंगे हम। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आज तक हमने खाली बेसिक देखा है, तो मैं आपको बोलता ना कौन था कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने का क्या करने का। यस एनसीईआरटी बोर्ड दोनों भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, स्टेट बोर्ड का भी रहा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, एनसीईआरटी का भी देखेंगे स्टेट बोर्ड का भी देखेंगे। ओके, ये 16 चैप्टर है। अब ये चैप्टर में थोड़ी फॉर इंफॉर्मेशन बताता मैं आपको प्रत्येक चैप्टर में क्या है। तो देखो ये है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री,
जिसके पास सिलेबस नहीं है वो सिलेबस ले लो और बाकी के अंडरस्टैंड। अब इसमें क्या देखने का, इस चैप्टर में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इस चैप्टर में क्या देखने का है, इट इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म, नाम में उसका मीनिंग है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो सम बेसिक कंसेप्ट है जैसे कि एटम्स, एलिमेंट, रिएक्शन क्या है, प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, ये इसमें देखने का। और केमिस्ट्री के ब्रांचेस, उसकी डेफिनेशन हमने क्या देखा, केमिस्ट्री की डेफिनेशन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अगर बाकी और डेफिनेशन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के ब्रांचेस के डेफिनेशन इसमें देखने की है। रिएक्टेंट किसे बोलते हैं, प्रोडक्ट किसे बोलते हैं, वो ये इसमें देखने का है। सम बेसिक बोले तो बेसिक इच। हाँ ओके। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब क्या बोल रहे हैं सर, हमें लास्ट में स्क्रीनशॉट निकालने को देना। ओके ओके ओके। ये सब होने के बाद इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री दिस इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन व्हिच इसमें क्या होता है, सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन। और जो ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है ना, उसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज ज्यादा होता है, राइट? ये जो आपने सुना होगा माइलन इंडस्ट्री, लुपिन इंडस्ट्री, नहीं तो अब सीरम इंस्टीट्यूट का चल रहा है वो पुणे में, और एक वो मॉडर्ना इंस्टीट्यूट, ये जो है इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक यूज होती। ये जो अभी कोरोना वायरस पे वैक्सीन जो ये कर रहे ना, डिस्कवर कर रहे, तो केमिस्ट्री की है वो, डिपेंड ऑन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का यूज कर रहे, राइट? तो केमिस्ट्री के जो कंपाउंड है, केमिकल है, उससे तो वैक्सीन का डिस्कवरी चालू है ना। इसलिए केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री सेंट्रल साइंस। आपने अगर कहीं पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री इज सेंट्रल साइंस, ऑल अदर सब्जेक्ट्स आर डिपेंड ऑन केमिस्ट्री। ओके, हम सब ब्रांचेस में केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग साइड में है, मेडिकल फील्ड में है, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी में है। ओके, द नेक्स्ट बेसिक एनालिटिकल टेक्निक। बेसिक एनालिटिकल टेक्निक, एनालिटिकल टेक्निक्स, एनालिटिकल में टेक्निक्स कौन से है बेसिक, वो देखने के यहाँ इस चैप्टर में। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अब देखो दिस वन एंड दिस वन, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अभी मैंने आपको पढ़ा है ना अफबो प्रिंसिपल, उस पर डिपेंड है ये चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर पहले किसने प्रेडिक्ट किया, बाद में किसने, दो चार स्ट्रक्चर है वहाँ। बोअर्स एटॉमिक मॉडल आपने देखा होगा, बोअर्स, देन वो ट्रायर्स, देन ऑक्टेव, ऑक्टेव रूल, वो डोबेरिनर ट्रायर्स, इसमें वो ठीक है एटॉमिक स्ट्रक्चर में और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग। अब ये जो केमिकल बॉन्डिंग है, अब देखो बॉन्ड मीन्स व्हाट, इसमें क्या है, बॉन्ड की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, और बॉन्ड कैसे फॉर्म होते, जो कि मैंने आपको एक लेक्चर उस पे लिए वाला है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड है बॉन्ड कितने फॉर्म करने के, तो राइट? तो जो हमने वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, बाद में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, वो सब इसमें डिटेल देखने का है, राइट? डिटेल देखने का। देन नेक्स्ट, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ये आपको 10th को था, 10th को ये चैप्टर था रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन देखने का है, राइट? देन नेक्स्ट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब मॉडर्न पीरियड टेबल में क्या देखने का है,
मॉडर्न पीरियड, पहले तो एलिमेंट कितने हैं, पहले तो अब नाम ही पीरियड टेबल है चैप्टर का, तो पीरियड टेबल की इन्फॉर्मेशन पूरी, पीरियड टेबल में कितने एलिमेंट है, कितने ब्लॉक्स है, कितने पीरियड है, कितने ग्रुप है, ये मैंने आपको सब बता दिया। पहले आप देखो आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो सब चैप्टर का थोड़ा 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 बेसिक हमने लिए वाला है, ऑलरेडी वी लर्न ऑल बेसिक्स ऑफ ऑल चैप्टर्स, थोड़ा 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 ऐसा करने से आप जब चैप्टर देखेंगे तब वेरी इजी जाएगा वो पढ़ने के लिए और समझने के लिए, ठीक है। मॉडर्न पीरियड टेबल इसमें क्या देखा, 180, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन भी है आए थे एग्जाम में, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एलिमेंट्स है, ग्रुप्स है, पीरियड्स है, देन ब्लॉक है, एस पी डी एफ, ये भी पढ़ने का है इसमें, बाकी क्या और थोड़े पॉइंट है दूसरे, ओके। मॉडर्न पीरियडिक टेबल, अब एक बार मॉडर्न पीरियडिक टेबल का ये पढ़ा, उसके बाद है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड, ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड। आप देखो टोटल ग्रुप कितने हैं, 18, टोटल 18 ग्रुप पढ़ने के 11 12 को, तो ये जो चैप्टर है इसमें क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप है। अब ये पीरियड टेबल का जनरल इन्फॉर्मेशन देखने के बाद, फर्स्ट जो हाइड्रोजन आता फर्स्ट ग्रुप में और सेकंड इसमें आता बेरिलियम, और सेकंड ग्रुप में आता बेरिलियम, ये पढ़ने के। अब दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर 12, ये ध्यान रखो, अब मैं क्या बता रहा हूँ, खाली मैं आपको ऐसा ये नहीं दे रहा, सिलेबस दे नहीं रहा हूँ, मैं आपको इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ, विच चैप्टर इज डिपेंड ऑन विच, ओके। ये 12th के लिए इम्पोर्टेंट है, 12th, ओके। नेक्स्ट, क्योंकि आधा प्रेडिक्टेबल बाद में, नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15, 13, 14 एंड 15, ओके। अब देखो टोटल कितने ग्रुप है, टोटल 16 है, तो फर्स्ट सेकंड ये चैप्टर में और ये 13, 14, 15 एक चैप्टर में, तो टोटल कितने, 5 हो गए, रिमेनिंग कितने बचा अभी, 18 में से 5 गए, तो 11 ग्रुप 12th को देखने के, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th, राइट। 12th को भी पीरियोडिक टेबल है, 11th को थोड़ा पीरियोडिक टेबल है, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, खाली 5 ग्रुप्स है, राइट, बाकी के सब 12th को है। अगर ये 3 समझ में आए और ये 2 समझ में आए तो 12th का समझ में आता। तो जो बच्चे ऐसा, आपको मालूम है ना कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, 11th क्या, कुछ 11th को स्टडी करने की जरूरत नहीं, 11th इज नॉट इम्पोर्टेंट, 11th ही इम्पोर्टेंट है, और 11th ही, 11th पे डिपेंड है सब, इफ यू आर परफेक्ट इन 11th देन यू कैन स्टडी ऑफ 12th, अदरवाइज नॉट, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आता 12th को, इसलिए 11th को सब 12th का सब बेस 11th को है। अगर आपने डायरेक्ट 12th को अगर पढ़ाई अगर शुरू की और क्लासेस ज्वाइन की तो कुछ समझ में नहीं आता और बाद में बोलते साइंस हार्ड है, साइंस कुछ हार्ड नहीं, कुछ नहीं, ओके, वो सीक्वेंस वाइज करना चाहिए सिर्फ। नेक्स्ट, 10th चैप्टर, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, आई थिंक ये 10वीं को भी इसमें का थोड़ा है, यहाँ इन डिटेल देखने का। स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर में है मैटर के स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, इसमें बाकी के टेम्परेचर, ये सब है उसमें, स्टेट्स का स्टडी है, देन गैसेस लॉ, सब गैसेस लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ, अगर 10th को अगर आया होगा तो आपके पढ़ने में एवोगैड्रोस लॉ, देन लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, यस 9th में था किसी को, आप मुझे वो एग्जैक्ट मालूम नहीं 9th के 10th में, मगर आपने ये देखे वाला है, पढ़े वाला है, ओके। नेक्स्ट, एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड्स, एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड्स,
यहाँ सॉल्यूशंस है अलग अलग, इस पर 12वीं का एक चैप्टर इस पर डिपेंड है, एब्सॉर्प्शन एडसॉर्प्शन किसको बोलते हैं, कोलाइड्स क्या है। ओके इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं आपको बताता बाद में। ये देन 12th केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम सेम चैप्टर है 12th को, आयनिक इक्विलिब्रियम, दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, 12th सेम ऐसा चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम। ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल इक्विलिब्रियम अगर आपको समझ में आया, आपने पढ़ा, तो आयनिक इक्विलिब्रियम आपके समझ में आएगा। ओके तो ऐसा वो डिपेंडेंस रहता है। 13 क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी, इसमें न्यूक्लियर का फिशन कैसा होता वो है, एनर्जी आपने अगर सुना होगा तो यूरेनियम से एनर्जी कैसे तैयार करने की वो इसमें है, बॉम्ब में इसका उपयोग होता, बॉम्ब में बॉम्ब बनाने के लिए एटम बॉम्ब इस टेक्निक का उपयोग होता, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी आपने 9th या 10th को आपने पढ़ा होगा, अल्फा अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। अल्फा रेज राइट साइड को जाते पॉजिटिव चार्ज रहता, बीटा लेफ्ट साइड को जाते नेगेटिव चार्ज रहता, और गामा चार्ज लेस है वो स्ट्रेट जाते, इसमें देखने का वो। देन नेक्स्ट वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक प्रिंसिपल है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी के पूरी यहाँ मालूम पड़ती क्या है, तो राइट यहाँ से तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई, 3 तो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इसमें। ओके बेसिक प्रिंसिपल मगर इम्पोर्टेंट है, ऑल चैप्टर्स इम्पोर्टेंट इसमें, इम्पोर्टेंट है। ओके बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, अब देखो हाइड्रोकार्बन एक ऐसा चैप्टर है, हाइड्रोकार्बन अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर आपके समझ में नहीं आया, आपको जीरो केमिस्ट्री समझ में आया ऐसा मतलब होता उसका, हाइड्रोकार्बन बोले तो वेरी वेरी वेरी। हाइड्रोकार्बन 4 पार्ट में डिवाइड है, अल्कीन सॉरी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड। तो अल्कीन, अल्केन, अल्काइन भी हमने बेसिक देखा उसका भी, राइट उसका भी बेसिक देखा, और एरोमेटिक कंपाउंड का नहीं देखा, वो अभी देखने वाले 10-15 मिनट में आफ्टर ये होने के बाद, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो बेसिक इसलिए देखना पड़ता कि बाद में चैप्टर समझ में आए, अगर उस चैप्टर का कुछ बेसिक आपको मालूम नहीं तो चैप्टर नहीं समझ में आता, फिर प्रॉब्लम हो जाता। और लास्ट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री का डेली यूज क्या है, बहुत सारे यूज है, राइट सुबह से लेकर शाम तक सब यूज केमिस्ट्री के ही है, राइट तो इसमें देखने का है। अब देखो पूरे 16 चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको मैं बोल रहा हूँ, सम बेसिक प्रिंसिपल सॉरी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, स्टेट्स ऑफ मैटर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी है मगर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और एक इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री, इतना कुछ नहीं है। ओके
न्यूक्लियर केमिस्ट्री और रेडॉक्स रिएक्शन, ये इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। और उसमें से तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, इसको तो मैं डबल क्लिक करूंगा इसको, ओके। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, हाइड्रोकार्बन। अब देखो हमने ये सब चैप्टर जो 11th को है उसका सब बेसिक देखा। अब अगर आप देखो, देता देता रुको रुको स्क्रीनशॉट देता, एक मिनट रुको, अब मैं क्या बोल रहा हूँ पहले ध्यान से सुनो, बाद में ये बातें कोई बताता नहीं, राइट, और तुम भी पूछते नहीं, मालूम है मुझे सब। अब 12th को जो दो पार्ट है, मैं क्या बता रहा हूँ वो ध्यान से देखो, 12th के जो दो पार्ट है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, राइट, पार्ट सेकंड, राइट, ये पार्ट ऑर्गेनिक का है, ऑर्गेनिक का पार्ट है ये, पार्ट सेकंड। अब मैं क्या बोल रहा हूँ पहले देखो, पार्ट सेकंड 12th का पार्ट सेकंड इज टोटली डिपेंड ऑन दिस टू चैप्टर्स, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन्स। ये जो है पार्ट सेकंड, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन, इस पर डिपेंड है टोटल पार्ट सेकंड, राइट। बोले तो 12th का एक पार्ट 11th के ये दो चैप्टर पर डिपेंड है, तो ये दो चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट होंगे देखो, प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन, इतना इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, आप ये कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यू कैन थिंक, ओके, सोच सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब जो दो पार्ट फर्स्ट है वो बाकी के सब इस पर डिपेंड है, ओके, उसमें पीरियडिक टेबल इंपॉर्टेंट है, बाकी के सब मैंने आपको दिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में और डिस्कस करेंगे, ओके, एक जस्ट मिनट, हाँ स्क्रीनशॉट देता हूँ आपको, वन मिनट ओनली। Sir, make me host. I want to share some pages to the student. Okay, sir. Okay. ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब देखो, अब जो हाइड्रोकार्बन है वो फोर पार्ट में डिवाइड होता, अल्केन, अल्किन, अल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड। तो अल्केन, अल्किन, अल्काइन के बारे में हम डिस्कस किए वाला है हमने, थोड़ा बहुत एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में देख लेते। आपको बेंजीन मालूम है क्या? डू यू नो बेंजीन? 10th को 9th को कभी आया क्या आपके सिलेबस में, था क्या? यस, ओके, कब था वो? 10th को था क्या? ठीक है, ओके ओके ओके,
ओके C6H6 राइट। ओके अब बेटे जो बेंजीन है इस पर अगर बेंजीन पर अगर गौर करें तो अबाउट 40% केमिस्ट्री 60% केमिस्ट्री डिपेंड ऑन बेंजीन रिंग। 60% केमिस्ट्री टोटल केमिस्ट्री जितनी है उसमें की 60% बेंजीन वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन केमिस्ट्री। कौन सा भी आप मेडिकल मेडिसिन का ड्रग देखो उसमें बेंजीन है। और ये जो बेंजीन है ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड। ओके अब उसके बारे में एरोमेटिक क्या है कैसे वो बाद में देखेंगे। पहले तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है साइक्लोहेक्सेन नहीं है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। ठीक है और C6H6 का ये ऐसा स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ एक डबल बॉन्ड, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। और इससे भी अगर दो तीन स्ट्रक्चर है दीवाले तो यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, कार्बन कार्बन और कार्बन है। टोटल ईच एंड एवरी कॉर्नर कंटेन्स वन कार्बन एंड वन हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। इसको ऐसा लिख सकते हम कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन और यहाँ एक कार्बन, टोटल सिक्स कार्बन। ये कार्बन, ये दो कार्बन में डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड। अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है बेंजीन में। अगर आपने देखा तो ईच कार्बन कंटेन्स थ्री बॉन्ड, 1 2 3 1 2 3 1, सबको तीन बॉन्ड है तो वैलेंसी कम है एक, तो एक एक हाइड्रोजन अटैच करो, 1 2 3 4 5 और ये 6 राइट। ये ऐसा बेंजीन है राइट। देखो ये दोनों सेम एग्जांपल है, सेम है दोनों भी। अब ये हर रिएक्शन में तो ऐसा बेंजीन निकल नहीं सकते, इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ऐसा है, हेक्सागोन निकालने का, हेक्सागोन मैथमेटिक्स में, और अल्टरनेट डबल बॉन्ड देने का, अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ओके और इसको सम बुक्स में ऐसा भी लिखा वाला है, कुछ बुक में यहाँ ऐसा सर्कल, मगर ये ज्यादा यूज नहीं करते, ये यूज करते ज्यादा। ओके अब